दोस्तों देखा जाए तो हमारे समाज में डेली हर चीज का दाम बढ़ते जा रहे हैं, बट फिर भी हम चुपचाप जरूरी सब सामान खरीदते हैं क्योंकि हमें जिंदगी के हिसाब से पेट चुबालना है। पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड्स को दिखाने जा रहे हैं जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज और थोड़ा हटके लगने के कारण बहुत एक्सपेंसिव है। ये सब खाना इतना एक्सपेंसिव है कि आम आदमी इसे खाने के लिए सोचे भी ना। हम दिखाने वाले हैं एक्सपेंसिव मुर्गा से लेकर गधे के दूध से बनाया हुआ चीज जैसे और भी बहुत कुछ। पर वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आई एम सिमानी चिकन। अगर आप इस मुर्गी को पहली बार की तरह देखते हैं तो आप सोचेंगे कि शायद इस मुर्गी के ऊपर किसी ने पेंट किया हो। कौवे जैसे काला ये मुर्गी बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी काले होते हैं। खून से लेकर मांस सब कुछ इसका काला है। मुर्गी का ये प्रजाति सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मुर्गी के हाईएस्ट प्राइस $2,000 भी जा चुके हैं, यानी 1,60,000 रुपए सिर्फ एक मुर्गी का प्राइस। और इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही इस मुर्गी को खा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है दूसरे मुर्गी के तुलना में आई एम सिमानी का लॉन्ग लाइफ होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा सेहत के फायदे पाए जाते हैं। नंबर 2, जायंट ब्लूफिन टूना। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मछली के बारे में आप कभी नहीं सुने। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। दरअसल 280 केजी का ये मछली जापान में एक मछली मार्केट में नीलामी होती है। और इसमें खास बात यह है कि ब्लूफिन टूना साल में एक ही बार नीलामी के लिए आते हैं। जनवरी 2022 में ये ब्लूफिन टूना $3.1 मिलियन में नीलामी हुई है। जी हाँ दोस्तों, $3.1 मिलियन यानी 48 करोड़ रूपए। और सबसे चौंका देने वाली बात है इसे खरीदने वाला कियोशी किमोरा नाम का एक शख्स थे जो इस मछली को एक स्पेशल जापानीज डिश सुशी को तैयार करने के लिए यूज करते हैं। इनके मुताबिक ये होटल मैनेजर है और जब जायंट ब्लूफिन टूना से वो डिश बनाते हैं तो उसकी कीमत आम डिश से 40 गुना ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, डिनसुक वाटरमेलन। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे तरबूज कैसे एक्सपेंसिव हो सकता है, पर इसमें मैं आपको बता दूं तरबूज एक्सपेंसिव होते हैं। इस तरबूज को सिर्फ होकाइडो आइसलैंड पे ही उगाया जाता है। जिन सब लोग इस तरबूज को खाए हैं उनके मुताबिक डिनसुक का ये तरबूज दुनिया के सबसे मीठे तरबूज है। इस तरबूज को खरीदना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है और ये तरबूज दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव तरबूज कहने का कारण है जापानी बाजारों में इस तरबूज को $250 में बेची जाती है, पर प्रीमियम क्वालिटी का एक डिनसुक तकरीबन 7 लाख रुपए में नीलामी हो सकती है। नंबर 4, कॉफी लुएक कॉफी। अगर आप कॉफी के दीवाने हैं तो आपको जरूर पता होगा कि कॉफी का टेस्ट उसके बनाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है, बट हर कोई कॉफी लवर कॉफी लुएक कॉफी को नहीं पी सकता है क्योंकि इस कॉफी का प्राइस $700 पर केजी यानी 1,10,000 रुपए पर केजी होते हैं। बट आप अगर अमीर आदमी है भी तो आप इस कॉफी का मेकिंग प्रोसेस के बारे में जान के इसे पीना नहीं पसंद करेंगे। दरअसल इस कॉफी बीन को पहले एक खास जानवर खाते हैं और वही कॉफी जब उस जानवर के वेस्ट के रूप से निकलते हैं तब उसको धोया जाता है और सुखाया जाता है। सूत्रों के अनुसार जब कॉफी बीन्स इस जानवर के अंदर से होकर गुजरता है तब कॉफी के प्रोटीन सेल्स टूट जाते हैं जिससे कॉफी का कड़वाहट दूर हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को होने में महज 2 हफ्ता लगता है। नंबर 5, डोंकी चीज। दोस्तों दूध के बनाए हुआ हर प्रोडक्ट हम सब खाते हैं और शायद हम में से बहुत कम लोग हैं जो गाय के दूध से बनाया हुआ चीज खाना नहीं पसंद करते हैं। पर क्या आपने कभी गधे के दूध से बनाया हुआ चीज के बारे में सुने हैं? ये चीज कोई सस्ता चीज नहीं है बल्कि इसे दुनिया के सबसे महंगा चीज मानी जाती है। इस चीज का नाम है बेल्कन डंकी मिल्क चीज। ये चीज सिर्फ स्लोबोडना में बनाए जाते हैं और ये $1,000 पर केजी या 80,000 पर केजी में बिकते हैं। ज्यादातर ये चीज शुगर पेशेंट के लिए यूज करी जाती है। कुछ लोगों का कहना है ये चीज बड़े से बड़ी बीमारियों पर काम आते हैं। बेशक ये सब खाना कॉमन होने के साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई नए टॉपिक के साथ।